तो कैसा सुनिया होंगे, तो आप देख सकते हैं अभी जो है हम जा रहे हैं कैदाजम ब्रिज से। आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं कैदाजम ब्रिज से पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, और आज मैं आपको पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं ये रोड जा रहे हैं रश्मि थोड़ा थोड़ा है, और अभी हम आज मैंने आपको इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं अभी जो हम जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, और ये आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद ब्रिज से। आप देख सकते हैं एक ऊपर जाता है रास्ता नारायण का खान को, और ये आप देख सकते हैं यह जाता है नीलम वैली का। तो एक रास्ता जो है कागान नारायण को जाते हैं और एक नीलम वैली को, तो हम राइट साइड आए हैं क्योंकि इधर जो है नीलम वैली है, सीधा जाएंगे, बिल्कुल सीधा हम जाएंगे। जैसे हम चेक पोस्ट पहुंच चुके हैं, जो आप देख सकते हैं इधर से ही बहुत ज़रा ज़बरदस्त मौसम हो गया है। आप देख सकते हैं इतना ज़रा हवा चल रहा है ना, और ठंडा ठंडा हवा, उधर जो मुजफ्फराबाद में बहुत ज़रा गर्मी है, लेकिन इधर जो बस थोड़ा सा ही गर्मी है, थोड़ा सा। आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं पीछे किधर, वो यार पीछे आप ये रेस्टोरेंट देख सकते हैं, ये पीछे आप देख सकते रेस्टोरेंट लगा हुआ है, और ये हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, ओए नाश्ता करना चाहे आप नाश्ता भी कर सकते हैं। आप देखते हैं सारा बकरवाल जो है इस साइड है नीलम के साइड पे, आप देख सकते हैं ये लोग बहुत ज्यादा बकरवाल है। ये आप देखते हैं गाड़ी में अभी लोड कर रहे हैं, पता करे ऊपर जो है तकिया वकिया चादर वगैरह ये भी रखते हैं, और ये देखते हैं बकरियाँ भी डाल रहे हैं, ये देखो इस ट्रक में जो है बकरियाँ डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं सारा बकरियाँ डाली है, ये देखो बॉयज we'll make this to work and I wonder where
सकते हैं कितना गर्म स्टेशन है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है इसका गर्म वाटरफॉल भी है भाई साहब। तो आप देख सकते हैं कि ना जरा खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं पीछे ये देखो आप कितना जरा खूबसूरत जगह है पीछे आप देख सकते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है आप देख सकते हैं। और मैं आपको आप देख सकते हैं वेलकम टू नीलम वैली, आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं नीलम के ब्रिज पे, यानी कि पूछते हैं आप देख सकते हैं वेलकम टू नीलम वैली। आप देख सकते हैं सामने है मकबूजा कश्मीर, आप देख सकते हैं सामने क्या है मकबूजा कश्मीर है सामने, आप देख सकते हैं मकबूजा कश्मीर है और इधर ये आजाद कश्मीर है यहाँ आप देख सकते हैं। और अभी हम इधर खड़े हैं और पीछे आप देख सकते हो घर ही घर है, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ तो पीछे आप देख सकते हैं ये सारे घर ही घर है और वो इंडिया के घर है, सारे इंडिया के लोग है और मैं आपको दिखाता हूँ सही से, वो देख सकते हैं हम ये देखो वो ये आजाद कश्मीर के, लेकिन वो आगे जो है ना वो मकबूजा कश्मीर है यानी कि इंडिया है, हम देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में आप देख सकते हैं नीचे इंडिया का झंडा लगा हुआ है, बहुत मज़ेदार गेट लगाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं इंडिया के, और नीचे इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है सबसे बड़ा झंडा है आप देख सकते हैं। और नीचे सबसे मेन चीज़ हमारा पुल है ब्रिज है, देखो यार कुत्ता चल रहा है उस पर, पता नहीं कैसे आप देख सकते हैं कुत्ता चल रहा है ब्रिज के ऊपर, आपको नहीं दिख रहा यार ये क्या सीन है कुत्ता चल रहा है इसके ऊपर याद इसे, और वो मकबूजा कश्मीर है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वो कुत्ता चल रहे हैं देख सकते हैं कुत्ता जो है ब्रिज से गया है आप देख सकते हो अभी गया अभी देख कुत्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक कुत्ता जा रहा था आपने नहीं देखा था, लेकिन आप नज़ारे देख सकते हैं सामने मकबूजा कश्मीर और इधर आज़ाद कश्मीर और इधर पाकिस्तान वो इंडिया वो आप देख सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में आप देख सकते हैं पीछे पीछे क्या है पीछे है इंडिया और इस साइड है कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, और पीछे से आप देख सकते हैं पीछे है मकबूजा कश्मीर, पीछे आप इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है जो कि आपको नहीं दिख रहा, और आप देख सकते हैं इंडिया के कैंप भी लगे हुए हैं, चार कैंप लगे हुए हैं दो बड़े हैं और दो छोटे हैं, और इसमें जो पूजी रहते हैं बहुत सारे पूजी रहते हैं और वो इंडिया के घर है जो कि आप देख सकते हैं इंडिया के बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है और इस साइड का आज़ाद कश्मीर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इस साइड सारा हरा हरा है वो भी हरा है ये भी है, यहाँ आप देख सकते हैं यह जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नीचे जो है दरिया है